تَقْزُ سِوَاءٌ وَكُلُّ مَانِعٍ مَّذْمُومٍ مَّا خَلَا هُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمْ وَعَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَالْقِسَمِ مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم مثلهم كمثل الذي استوقد النار كلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم تركهم في الظلمات لا يبصرون. ये मजलिस एक जवां मर्ग की यादगार में मुनक़िद हो रही है, जिसको गुजरे हुए 1 साल हो गया और जिसने अपने पूरे खानदान को एक ऐसा दावे मुफारकत दिया जो उन अफराद खानदान के लिए बहुत दिनों जिंदा रहेगा। आना और जाना शायद दुनिया की रौनक है, मगर यहां कोई दास्तान जुल्म कही जाए, जहां गुफ्तगू मजलूम के सब्र सुकून से हो, वहां ज्यादा दिल पर चोट लगती है और ऐसा मालूम होता है कि कायनात हजारों गर्दिशों के बावजूद अपने मुस्तक़िल्लात अक़लिया पे बाकी है, अपने मुसल्लमात अव्वलिया पे बाकी है। और जाहिर है कि अक़्ल इंसान के लिए नेकी का तस्वुर ही ये है कि जिस कदर हो सके इंसान जुल्म से दूर रहे और जिस कदर हो सके इंसान मजलूम की इआनत करे, मजलूम की मदद करे। हल्लाल मुश्किलात अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19वें रमजान को अपने दोनों बेटों से जो वसीयत की और जिसको जामे नहजुल बलागा ने एक खास मकाम दिया, नहजुल बलागा में वो जुमला उस वसीयत का बड़ा अहम है। इरशाद फरमाया कूना लिज़्ज़ालिम खत्मा वलिल मज़लूम औना, तुम दोनों जालिम के दुश्मन रहो और अय हसन अय हुसैन तुम दोनों मजलूम के मददगार बन जाओ। तो जहां इमाम ने आइम्मा को ये वसीयत की हो कि जालिम से दूर होने की कोशिश की जाए, मजलूम की नसरत की जाए, वहां कलाम इमाम गोया तफसीर कुरान होता है। इरशाद हुआ ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, खबरदार जुल्म करने वालों के नजदीक भी न जाओ, ऐसा न हो कि आतश जहन्नम तुमको खा जाए। बहरहाल कभी कभी ये घराना हो या कोई और घराना हो या कोई और मजलूम हो, उसके दिल और दिमाग में एक शुबहा सा ये पैदा होता है कि इतने मजालिम के बावजूद जालिम को फिर ये फुर्सत क्यों मिलती है, ये मोहलत क्यों मिलती है। तो मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि शदीद तरीन इम्तिहान जो जालिम से लिया जाता है वो मोहलत दे कर लिया जाता है, उसको फुर्सत दी जाती है कि वो अपने हालात को बदल ले, मगर चूंकि जुल्म की आदत हो जाती है इसलिए वो जुल्म से मुंह नहीं मोड़ता। तो अब इस शुबहे को इस तरह से दिल से हटा देना चाहिए कि अक़लन जो चीज बुरी है वो ज़ाते वाजिब को भी पसंद नहीं है, अल्लाह भी जुल्म करने वालों को दोस्त नहीं रखता है, इसलिए अंजाम बहर हाल जुल्म करने वालों का नापसंदीदा ही रहेगा, अंजाम उनका नाखूब ही रहेगा। इसलिए गुजरते हुए वक्त पर भरोसा न किया जाए और ये ख्याल न हो कि इतने दिन गुजर गए, इतनी रातें गुजर गईं, इतने साल गुजर गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये फिक्र हमारे लिए जेब नहीं देती कि हम ये सोचें कि इतने दिन गुजर गए कुछ नहीं हुआ। हमारी हद तक तो ये है कि हम मर्जी मौला के साथ साथ रहें और उसकी खुशनुदी पर और उसके हुक्म पर सरे तस्लीम को हम किए हुए आगे बढ़ते जाएं। बात यह है जैसा कि इब्तदाई आयतों में सूरह बकरा की इंसानियत को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। इब्तिदाई आयतें आप हमेशा कुरान जब पढ़ते होंगे तो सूरह बकरा जब भी शुरू करें तो मालूम होगा कि इंसानियत को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक तो ये कि हुदन लिलमुत्तकीन, साहिबान तकवा हैं जो गैब पे ईमान लाते हैं, जो इन्फाक करते हैं, जो साहिबान ईमान हैं, जो रिस्क अल्लाह से लेते हैं और तकसीम करते हैं। दूसरा वो ग्रोह है इंसानियत का जो मुस्तकिल काफिर है, सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। अब रसूल तुम डराओ या न डराओ सब बराबर है, उनके लिए ये ईमान लाने वाले नहीं है। तीसरा ग्रोह वो है कि जिस ग्रोह से आलम इस्लाम में हैरानी है, जिस ग्रोह से सारा आलम परेशान है, और ये वो ग्रोह है कि जिनके मुताल्लिक़ ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि इनका ताल्लुक किस जमात से है। यह तीसरा ग्रोह है कि जिसके मुताल्लिक़ कुरान ने बड़ी तफसील से बहस की और ये कहा कि ये वो लोग हैं कि इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू, जब उनसे कहा जाता है फसाद मत करो तो जवाब देते हैं इन्नमा नहनुल मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम फसाद नहीं करते। इरशाद हुआ नहीं, यह फासिद है। वइज़ा क़ील लहुम आमनू कमा आमन अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ जैसे कि लोग ईमान लाते हैं तो कहते हैं क्या अहमकों की तरह से ईमान लाएं। कुरान कहता है अहमक तो यही है, मगर इसके बावजूद कुरान ये कहता है कि इनका आलम ये है इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, जब ये ईमान वालों की महफिल में बैठते हैं क़ालू आमन्ना, कहते हैं हम तो ईमानदार हैं, हम मोमिन हैं, हम आपके साथ हैं। वइज़ा ख़लौ इला शयातीनहिम, और जब अपने शैतानों के पास उनको तन्हाई मिलती है क़ालू इन्ना माकुम, वो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, नमा नहनो मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक उड़ा रहे थे। इरशाद फरमाया ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि ये अपनी रोशनी अपनी आग खुद भड़काते हैं। इनको बाहर से नूर नहीं मिलता, इनको खारिज से नूर नहीं मिलता, बल्कि ये खुद अपने चिराग जलाते हैं। मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, उनकी मिसाल ये है जैसे कोई आग जलाए, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू, जब वो आग अतराफ को उनके रोशन कर दे और कुछ नजर आने लगे ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, खुदा बुझा देता है उस आग को। वह तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, वो अंधेरों में रह जाते हैं जहां उनको कुछ भी नजर नहीं आता। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन, ये गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, ये लौट के आने वाले नहीं हैं, ये वापस आने वाले नहीं हैं। तो बड़ी तफसील दी कुरान ने, फकत सूरह बकरा में नहीं, सूरह बकरा से लेके सूरह मुनाफिकून तक, कि वो लोग इंसानियत के लिए इंतहाई तकलीफ देह हो जाते हैं कि जिनके मुताल्लिक़ न मोमिन ये कह सकता है कि ये क्या है, न काफिर ये कह सकता है कि ये क्या है। तरफ जाते हैं उसी तरफ की बातें करते हैं, जहां बैठते हैं वही रुख हयात इख्तियार करते हैं। तो इन लोगों से जो परेशानी कभी कभी हमको लाहिक होती है वो इंतहाई तकलीफ देह है। हमारी हद तक, हमारी कौमी जिंदगी की हद तक हमारा एक लायहे अमल है, और वो लायहे अमल ये है कि हमने ये महसूस कर लिया, मालूम कर लिया, हमने तअक्कुल किया, हम समझ गए कि हमने अपने लिए मुक्तदा एक ऐसे घराने को बनाया है कि जिस घराने की दुनिया में नजीर नहीं है। अगर उस घराने की इस दुनिया में कहीं नजीर होती तो ये दुनिया उस नजीर को भी दुरूद में दाखिल कर देती, मगर न हो सका उनसे ऐसा, और जबरन वो करहन उस घराने को, दुनिया को तस्लीम करना पड़ा। हमारी हद तक ये बात वाज़े है कि हमने चुन लिया है अपने लिए, हमने पसंद कर लिया है अपने लिए, खुदा और रसूल की पसंद को, कि उन लोगों को हमेशा मुक्तदा बनाया जाए जो रसूल और रसूल के अहकाम और उसकी मर्जी पर हमेशा चलते रहे, और उनकी नज़ीर आलम में न मिल सकी। हमने तो तय कर लिया, मगर एक मुसीबत यहाँ है कि जहाँ हमसे कोई आके ये कहे कि हम भी उन्हीं को मानते हैं, मगर अमल वो करें जो उनकी मर्जी के खिलाफ होता है, तो उस वक्त हमारे दिल और दिमाग पर बड़ा भार होता है, और हम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या होता है। मासूम की मर्जी नहीं है, मासूम की मर्जी नहीं है। छोटी सी मिसाल आपको दे के चलूं, और वो मिसाल हमेशा जहन में रखिए, इसमें न तकिया है, न खामोशी है, न छिपाने की बात है, इसलिए कि तकिये का मफहूम ही कुछ जमाने ने बदल कर रख दिया है, तकिये के आदाब ही कुछ और हो गए हैं। मासूम इरशाद फरमाते हैं, सूरह हमद तमाम करने के बाद अगर कोई आमीन कह दे नमाज बातिल है। मासूम का इरशाद है कि नमाज में सूरह हमद के बाद अगर कोई आमीन कह दे तो नमाज बातिल है, इसलिए कि जो चीज के सूरे में नहीं है उसको सूरे में दाखिल कर दिया था। जो चीज सूरे में नहीं है उसको सूरे में दाखिल कर दिया। अब अगर मासूम के हुक्म को जानते हुए और अपने आप को मासूम के गुलामों में शामिल करते हुए किसी ने किसी को खुश करने के लिए आमीन कह दिया, तो हमको थोड़ी सी हैरानी हो जाती है कि अब हमारा मौक़िफ़ क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, हमको क्या करना चाहिए। यानी क्यों कोई किसी की खुशी चाहे इस दौर में जब दुनिया हमारी खुशी को नहीं चाहती, और अगर एक मर्तबा आमीन नहीं हम 1000 मर्तबा आमीन कहने की कोशिश करें तो क्या दुनिया ये समझ लेगी कि हमने अपने आप को बदल दिया है? बिल्कुल नहीं। दुनिया तो ये समझ रही है कि ये खुद एक और चाल है, यानी हमारे मकरो फरेब पर एक और सबूत मिल जाता है, तो वही कुछ और मकर किया, कुछ और फरेब किया। इसलिए अब तकसीम हो चुकी, इसको हमेशा याद रखिए। मैं कोई ज्यादा जहमत देने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि बात अहम मसाइल हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं, और अब के जबकि मुहर्रम सामने है और मैंने अपनी तकरीरों को बहुत ही कम कर दिया है और फिर उसका इख्तिसार भी मंजूर है, इसलिए जब ये बातें करता हूं तो इसलिए कि जहन में चंद चीजें रहें। देखिए, अली और अली के बाद हसन और हसन के बाद हुसैन की मंजिल, बारहा मैंने कहा है कि हुसैन की मंजिल डिवीजन है। डिवीजन, यानी ऐसा डिवीजन जैसे कोई भरे पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहे कि हम डिवीजन चाहते हैं कि हमारे साथ कितने हैं हमारे खिलाफ कितने हैं, और एक मर्तबा पार्लियामेंट के अफराद इधर के उधर हो जाएं और ये बतला दें कि हम आपके साथ हैं हम आपके साथ नहीं। तो करबला हुसैन का वो मुतालबा है जहां हुसैन ने तकसीम को तलब किया है, ने तकसीम को तलब किया कि अब इसके बाद रवा नहीं है कि इधर का आदमी फिर उधर जाए। हमारे लिए करबला के बाद यानी करबला से पहले की कोई बात होती तो फिर भी दुनिया एक मर्तबा खामोश होती कि हिल्मे हसन है या अमीरुल मोमिनीन का सुकूत है जिसको मुदाहनत कहते हैं, ये खामोशी है। नहीं, करबला के बाद तो कोई मौका नहीं रहा, करबला के बाद मौका नहीं रहा। खुदा की कसम अगर आप सहीफा सज्जादिया पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा हक तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचता था बाद करबला यजीद के और बनी उमैया के इस्तिबदाद में कि अपने हालात को बदल देते, मगर सहीफा सज्जादिया गवाह है कि इस सहीफे में दुआ के मौके पर और दुआ के उन्वान पर आपने कहा है कि नमाज जुमा हमारा हक है, इन लोगों ने छीन लिया। यानी सहीफे सज्जादिया के मुताले के बाद आपको पता चलेगा कि नाम दुआ मगर तफसील पूरे अहकाम, तफसील पूरे अकायद, अपने स्टैंड को बतलाया और जगह जगह ये साबित करने की कोशिश की कि जो हमारा अमल है वो हक है और ये हक बाकी रहेगा। इसके बाद और अइम्मा के दौर हैं, इमाम बाकर का जमाना है, इमाम जाफर का जमाना है, जाहिर है कि बनी उमैया का उरूज का दौर है और उसके इमाम बाकर का दौर, और उसके बाद इमाम जाफर के दौर में बनी अब्बास आते हैं। तो ऐसी सूरत में इतने जबर और इस्तिबदाद के दौर में खुदा गवाह अगर हमारे किसी इमाम के कदम में जरा भी लग़ज़िश होती तो न ये फिक़ह होती न ये दीन होता। आपकी ये फिक़ह नहीं होती, आप इस तरह से न नमाज पढ़ सकते, न इस तरह से आप इबादत कर सकते, न कुछ कर नहीं। इमाम का स्टैंड है कि ये यूं ही होगा, यह यूं ही होगा, अब जुल्म हो सितम हो जो कुछ भी हो। यानी बाद करबला एक ऐसी तकसीम अमल में आई है, एक ऐसी तकसीम अमल में आई है कि जिसके बाद इज्तिमाई जिंदगी में दोस्ती सलाम मोहब्बत सब कुछ सही मगर रहे हक में इस ऐलान के बाद कि कौन कहां है फिर जर्रा बराबर भी अपने रास्ते से हटने का अब कोई इम्कान बाकी नहीं रहता। इसको बहुत अच्छी तरह से सोच लीजिए, बहुत अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए और ये जान लीजिए कि अगर करबला के बाद राह को बदलना मुमकिन था, यानी कि सिर्फ इसलिए कि अब हम इंतहाई जुल्म के आलम में सब्र किए जा रहे हैं, हम कुछ अपने हालात बदल दें, औराद बदल दें, औकात बदल दें, बंदगी बदल दें। खुदा की कसम करबला से लेके शाम तक आबिद बीमार हैं, अपनी नमाज पढ़िए दूसरों की नहीं। एक अजीब बात है, आपके मकातिल गवाह हैं कि जंजीर पहने हुए कैदी अपनी नमाज पढ़ रहा और किसी की मजाल नहीं है इमाम पे ये हमला करे कि ये आप क्या कर रहे हैं। नहीं, वो हमारा मुक्तदा है, वो हमारा रहनुमा है, यानी उसकी जरा सी जुम्बिश उसका रास्ते से जरा सा हट जाना हमको हमेशा के लिए हजारों मील दूर ले जाता दीन से और मजहब। मगर इमाम ने यह तय कर लिया था कि अब जो भी मुसीबत हो हमको तो अपनी मंजिल पर रहना चाहिए। तो इस मौके पर, इस मौक़फ पर एक बात ये वाजह होनी चाहिए कि ये अपनी अपनी शम्एं जहां इंसान जलाता है फिक्र की, और जहां कहीं अपनी हद तक फैसला कर लेता है कि नहीं ये मुझे ये काम करना चाहिए, इरशाद होता है कि इससे रोशनी नहीं होती। जब ये शमा बुझ जाती है तो अंधेरा ही अंधेरा होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसलिए हमको तो नूर उनसे लेना चाहिए। यानी आप आयत को अब समझ गए, ये सूरह बकरा की आयत है और इब्तिदाई आयत है। मतलब ये तुम अपनी दिया न जलाओ, अपने शमा रोशन न करो, जिनको हमने नूर दिया है उनसे नूर लो, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और मुतमईन जियो, मुतमईन मरो। इंसान की जिंदगी और मौत बहुत ही मामूली सा वाकया है तारीख कायनात में, जहां हजारों तारे रातों को टूटते हैं। वहां किसी इंसान के तनफ्फुस का रुक जाना एक बहुत मामूली सी बात है, बहुत मामूली सी बात है। रोजाना कितने हजार इंसान रुए जमीन पे मरते हैं, कुछ नहीं। मौत काबिल जिक्र नहीं है, और यही वजह है कि मौत पर मातम नहीं होता है। मैंने समझने की कोशिश कीजिए, हमारी मजलिसों में आते आते लोगों ने जिंदगियां गुजार दी, ये हुसैन की मौत पे हम नहीं रोते हैं। ये मजलिस इसलिए नहीं है कि उनकी मौत पे गम किया जाए, मरना तो सबको है। जो चीज रुलाती है वो ये कि इतने जुल्म के कमाल पर यह इस्तिकामत, जुल्म के इस कमाल पर यह सब्र, जुल्म के इस कमाल पर यह तवानाई, बर्दाश्त, ये चीज रुलाती है। वरना किसी का इस दुनिया को छोड़ देना, किसी का दाई अजल को लब्बैक कहना कोई अहमियत नहीं रखता, सब मर गए। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, पैगंबर के लिए कहा कि तुम भी मरने वाले हो, जितने अंबिया आए सब मर गए। तो मौत काबिले मातम नहीं है, बल्कि जहां जुल्म तो उस जुल्म की शिद्दत, जो सब्र की तुआनाई थी, जो इस्तिकामत थी, उससे दिल भर आता है कि ये आप ही का काम था, ये आप ही का हक था, ये आप ही कर सकते। वरना ये दुनिया बहुत जल्द बदल जाती है, बहुत जल्द बदल जाती है। कभी कभी मैं ये कोशिश करता हूं कि बहुत सी कही हुई बातों को न दोहराया जाए और आपके हाफिजे पे भरोसा किया जाए। मगर सिलसिला कलाम के लिए ये लाजिम हो जाता है कि आपको मुतवज्जे किया जाए एक आध मरतबा फिर उस बात पर कि करबला और करबला के बाद अगर कोई और घराना होता तो मुर्तद हो जाता, दीन को छोड़ देता। आप समझते मेरे जुमले की अहमियत? यानी बाद करबला कोई और घराना होता, सब घरानों ने यही किया। सब घरानों ने यही किया। ये तारीख है और तारीख की तफसील घंटों की तकरीर चाहती है कि किसने क्या किया, कौन किस तरह से चुप हो गया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने क्या किया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या किया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्या किया, बड़े बड़े साथ रहने वालों ने क्या किया और कैसी खामोशी अख्तियार की। इल्ला हुसैन, हुसैन जब आगे बढ़ गए तो आपने एक मिसाल और मिसाल ये कायम की कि जो भी मुसीबत पड़ो तब्दीली हम में नहीं होती। मालूम नहीं, मैं सोच रहा हूं अब के शायद मुझसे मुमकिन हो सके और अगर मेरा हाफिजा साथ दे तो आने वाली शाम गरिमा की मजलिस में मैं आपको बतलाऊं, हुसैन इब्न अली ने रोज आशूर दो दुआएं की, दो, एक अलग सबा सुबह आशूर, एक घोड़े से गिरते वक्त, दो दुआएं, दोनों दुआएं मफातीह में मौजूद हैं। दोनों दुआएं, पहली दुआ अल्लाहुम्मा अंत सिक़ती फी कुल्ल कर्ब, दूसरी और आखिरी दुआ अल्लाहुम्मा अंत मुतअलिल मकान अज़ीमुल जबरूत शदीदुल मिहाल, दूसरी दुआ। दोनों दुआओं का खुलासा यह है कि यह नहीं कि इनको तबाह कर दे, आद और समूद की तरह इनके तबके को उलट दे, नहीं, परवरदिगार मैं तेरी मर्जी को ढूंढते हुए चलाऊं, तेरी मर्जी को ढूंढते हुए चलाऊं और आज इस वक्त सिर्फ यह चाहता हूं कि तू मेरे और इनके दरमियान हकम बन जा, तू मेरे और इनके दरमियान फैसला देने वाला बन जा। परवरदिगार मैं तेरा होश चाहता हूं, तेरी नजदीकी चाहता हूं, तेरी मर्जी चाहता हूं, रिज़न बे क़ज़ा है वो तस्लीमन ले अम्र। तो फिर उसके बाद इस काफिले के किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि दीन हमारा, हमारे जत ने इतनी खिदमत की और दुनिया आज हमसे यूं बदल गई, आओ हम भी दीन छोड़ दें। यह नहीं कहा, यह नहीं कहा किसी ने। मुसीबतें सबों ने झेली, सबों ने हुसैन का साथ दिया, सबों ने हुसैन के नक्श कदम पे चलने की कोशिश की। बस गुफ्तगू खत्म हुई, बजा है ये इफ्तिकार, बजाओ है ये इफ्तिकार जो हुसैन इब्न अली को करबला में था कि नाना आपको भी वो साथी नहीं मिले तो मुझे, नाना आपको भी वो मुसाहिब नहीं मिले जो मुझे मिले, नाना आपको भी वो रफीक नहीं मिले, नहीं ये नहीं, आपने कहा न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाप को मिले, न मेरे भाई, साथी ऐसे अजीज ऐसे रफीक ऐसे। एक जवान की याद में मजलिस हो रही है, शबे जुमा है, जहरा का आजा खाना है, इसलिए मैं फिर तकरीर को खात्मे पर पहुंचाते हुए उस जवान का तस्करा करूं कि जो जंग के मैदान से इंतहाई शुजाअत दिखलाकर ये कहते हुए वापस हो रहा है कि बाबा अगर आज पानी मिल जाता, बाबा अगर आज पानी मिल जाता तो आप देखते कि अली अकबर की जंग क्या हो। तो ये नहीं कि मोजिजे से बेटे को पानी पिलाते, यह नहीं कि कुछ और कहते, अरे इंतहा इस्तेकामत है हुसैन ये कि बेअख्तियार का जाओ मेरे लाल साकी कौसर सैराब है, अली अकबर जाओ साकी कौसर सैराब। हो गई मजलिस, मगर चूंकि शब जुमा है, मुहर्रम से हम करीब हो रहे हैं, आप लोगों ने भी हुसैन इब्न अली की जियारत की होगी, मुझे भी इज्जत हासिल है, कई मरतबा मैंने भी आस्था बोसी की है। उमूमन ऐसा होता है कि शबे जुमा रात भर हुसैन की कब्र के गिर्द घूमने वाले घूमते जाते हैं और ऐसे मौके पर बार बार हुसैन इब्न अली को अली अकबर का वास्ता देते हैं, जवान बेटे का वास्ता देते जाते हैं कि मौला तेरे जवान बेटे का वास्ता। जाकिरीन अली अकबर का जिक्र करते हैं, मर्सिया पढ़ने वाले अली अकबर का मर्सिया पढ़ते, अली अकबर का मर्सिया पढ़ते। बड़ा इम्तिहान था हुसैन, बड़ा इम्तिहान था हुसैन, मगर क्या मजाल, क्या मजाल है जो सारे मुंह सब्र हुसैन में फर्क आया। क्या मजाल है जो सारे मुंह सब्र हुसैन में फर्क आया हो। मकतल का यह आखिरी जुमला उलमाए कातिल बयान करते हैं कि इधर बेटे ने आवाज दी कि बाबा मेरा सलाम कबूल हो, उधर हुसैन चले और इधर सरदारान लश्कर ने अपने अपने घोड़ों की बागें खींची और पुष्ट दीन से बुलंद हो के देखने लगे कि बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत पे आता कितना। सूरह हम और 3 मरतबा सूरह अखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद मरहूम को जवारे मासूम अता फरमा, हमको गम न दे सिवा गम आल मोहम्मद। हमारी हयात व मौत आल मोहम्मद की हयात व मौत के साथ।